चलो, तो पिछली क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने देखा था, सबके पास नोटबुक होगा ही, यस सर। सर तो देखा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था हम लोगों ने, फिर मैक्सिमम हाइट निकाला रहा होगा, फिर यस कुछ क्वेश्चंस उसके कराए होंगे। उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर बॉल को ग्राउंड से नहीं, ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर से थ्रो किया जाए तो क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट अबव द ग्राउंड, फर्स्ट केस लिखना मत, ध्यान से देखो। सपोज ये ग्राउंड से, ये ग्राउंड है आपका, ग्राउंड से एच हाइट ऊपर यहां कहीं से एक बॉल को यू स्पीड से थ्रो किया, तो ये क्या होगा? ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, यस सर। आएगा ना? यस यस सर। तो अगर कोई मुझसे ये वाली हाइट पूछता तो क्या होता बताओ? ये हाइट कितनी होगी? अरे पिछली क्लास में यू पढ़ा है बाई भाई, थ्री टू यू बाई थ्री वो तो टाइम होता है। स्क्वायर बाई टू जी। यू स्क्वायर बाई 2g होगा। तो यस इसमें कोई मैक्सिमम हाइट पूछे तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट हम बता सकते हैं स्मॉल एच, जिस बिल्डिंग के छत से फेंका, प्लस यू स्क्वायर बाई 2g, ऐसा होगा? यस तो ये तो कोई काम नहीं है ऐसा। अब देखो, इसमें अगर हम इनिशियल वेलोसिटी लिखें तो क्या होगा? प्लस यू। इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू, एक्सेलरेशन कितना होगा? नेगेटिव माइनस जी। माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एच। माइनस एच, नीचे आ रहा है ना, हाँ। माइनस एच होगा। यस सर। यस। तो हाँ सर। यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा होगा?
यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस टू एच इज इक्वल टू टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। यस सर। यस तो ये हो गया जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी माइनस टू एच दिस इज इक्वल टू जीरो। यस सर। यस सर। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट मिलेगा टाइम का। यस सर। यस सर। यस सर। ये जो भी पॉजिटिव रूट मिलेगा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यस सर। यस सर। कॉमन सेंस है। यस सर। हाँ सर। यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। यस सर। सर डन आगे बढ़ू। यस वन मिनट सर एडिट सर। ठीक है जल्दी जल्दी कर लो करने का बता। Done, sir. Okay. Done, sir. ठीक है, very good. Case two. तो इसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था वर्टिकली अपवर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करे या सिर्फ रिलीज करे। हो सकता है ऐसा। Yes. So case two. When object is released from a height, रिलीज करने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा ग्राउंड है और ऑब्जेक्ट को जीरो स्पीड से यहां से छोड़ दिया, ड्रॉप किया, और ये हाइट एच है।
तो ऑब्जेक्ट को जीरो स्पीड से ड्रॉप करेगा तो यू की वैल्यू जीरो 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 वैल्यू तो उठेगी नहीं, ए की वैल्यू माइनस जी, एफ की वैल्यू माइनस तो इसमें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इसको आप पुट करेंगे तो माइनस एच इज इक्वल टू जीरो माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर ऐसा होगा yes. तो यहां से टी की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट टू एच अपॉन जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा yes, sir. कॉमन सेंस है yes. Yes, sir. इसको भी कॉपी कर लीजिए. हो गया यस सर यस सर यस सर नेक्स्ट थर्ड केस ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर थ्रो करे यस सर है ना क्या सर ऑब्जेक्ट को किधर थ्रो करे नीचे की ओर थ्रो करे Okay. जैसे छत पर चढ़ के तुम तीन काम कर सकती हो या तो बॉल को ऊपर फेंको या जस्ट ड्रॉप कर दो या नीचे थ्रो करो यस सो केस थ्री व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउन व्हेन Object is thrown down. इस केस में जस्ट मुझे दोबारा ड्रॉ नहीं करना पड़े इसके लिए एक काम करता हूं तो इसमें इसको u स्पीड से नीचे थ्रो किया तो ये स्पीड u इधर है इसमें u की वैल्यू अब क्या हो जाएगी नेगेटिव माइनस माइनस u तो इसमें फॉर्मूला में जब पुट करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में तो s की जगह माइनस एच U की जगह माइनस यू ए की जगह माइनस जी तो ऐसा कुछ होगा यस सर सारे माइनस को हटा देंगे तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर दिखेगा यस
तो ये हो गया 2H इज इक्वल टू 2UT प्लस GT स्क्वायर। यस सर। अच्छा, तो यहां से मुझे मिला GT स्क्वायर प्लस 2UT माइनस 2H, दिस इज इक्वल टू जीरो। यस सर। ये अगेन टाइम में क्वाड्रेटिक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक नेगेटिव रूट और एक पॉजिटिव रूट मिलेगा। तो जो टाइम का पॉजिटिव रूट मिलेगा यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यस सर। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लीजिए। उसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। सर हो गया सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करूं। यस सर। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अभी जितना पढ़ाया उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर और जो पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ सम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, 15-20 सम करेंगे अभी हम लोग।
आया किसी को? 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा आंसर देखता हूँ, सबको आया? हाँ सही आंसर है। बाकी लोगों को आया? 2 मिनट सर। हाँ सर 40 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबको अगर आ गया मुझे बताने की जरूरत सर, नहीं 40। है तो एक बॉल को थ्रो किया नीचे की ओर 5 मीटर पर सेकेंड से, राइट। दूसरे बॉल को थ्रो किया किस स्पीड से मुझे नहीं पता, तो मान लो यू स्पीड से। फर्क इतना है कि इसको 2 सेकेंड के बाद थ्रो किया, नहीं सॉरी विद हाँ आफ्टर 2 सेकेंड, सो दैट इट कैन हिट द फर्स्ट बॉल फर्दर 2 सेकेंड। मतलब दोनों बॉल जहां पर पहुंच गया उसमें ये बॉल ने 2 सेकेंड तक चला होगा और ये बॉल 4 सेकेंड तक चला होगा। ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब बॉल ए 4 सेकेंड में जितना नीचे गया, बॉल बी 2 सेकेंड में उतना ही नीचे गया होगा, यही मतलब हुआ? ये कितना नीचे गया तो देख लीजिए, -5 × 4 − ½ × 10 × 4² समझ आया कैसे? ए का बी का वैसे ही −u × 2 − ½ × 10 × 2² इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं नहीं तो −20 − 80 = −2u − 20 है ना। तो ये −20 ये −20 गया तो 2u = 80, सो u = 40 m/s। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। पक्का? यस। ठीक है कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? यस सर। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लो। डन सर। ठीक है ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। कोशिश कीजिए इसको, सिमिलर है या इनफैक्ट पहले वाले से भी इजी है।
आया कुछ आंसर? बोलो बेटा, कोई तो आंसर बताओ। चलो देखो इधर, मान लो कि टाइम गैप कुछ भी है, जो मन करे डेल्टा टी मान लो टाइम गैप है, तो ऐसे कह दो लेट डेल्टा टी इज टाइम गैप। तो सक्सेसिव ड्रॉप के बीच का टाइम गैप डेल्टा टी है, तो यह है फोर्थ ड्रॉप, यह है थर्ड ड्रॉप, यह है सेकेंड ड्रॉप और यह है फर्स्ट ड्रॉप। तो जो थर्ड ड्रॉप है वो डेल्टा टी टाइम तक चला है, है ना? जो सेकेंड ड्रॉप है वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी टाइम तक चला है, और जो फर्स्ट ड्रॉप है वो थ्राइस ऑफ डेल्टा टी टाइम तक चला है, है ना? तो मेरे डायग्राम में ये है एच वन, ये है एच टू और ये है H3, है ना? ऐसा ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है आप लोगों को? हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है फिर, तो ऐसा समझ आ रहा है कि ये इसको अगर मैं H2 लिखूं तो 2 जा 4, ये 4H2 हो जाएगा। सॉरी, इसको H3 लिखूं, H3 को H3 तो H2 4H3 हो जाएगा। yes, sir. और H1 3 square 9, 9H3 हो जाएगा। N by 2 ना? 9, 9 by 2 नहीं, H3 तो half GT square को लिया है ना? हाँ हाँ। तो जो हम लोगों को रेशियो चाहिए वो क्या चाहिए?
सक्सेसिव ड्रॉप के बीच का ना, मतलब मुझे एच थ्री कॉमा एच टू माइनस एच थ्री इज टू एच वन माइनस एच टू, ये चाहिए। बोलिए। यस सर। यस। तो एच थ्री को एच थ्री रहने दीजिए, एच टू माइनस एच थ्री फोर माइनस वन थ्री एच थ्री हो जाएगा। एच वन माइनस एच टू नाइन माइनस फोर फाइव एच थ्री हो जाएगा। तो yes, हमारा आंसर वन इज टू थ्री इज टू फाइव होगा। यस यस सर। सबको यस सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। Answer. आगे बढ़े। Yes sir. Yes sir. Next question में आइए। Number third होगा ना शायद? Yes sir. Yes. ये पिछली क्लास में सिखाया था ग्राउंड से थ्रो करने वाला, उस पे बेस्ड है, बट अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग कर लेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे।
तो 53 मीटर पर सेकंड क्या बोल रहे हैं? तो 53 मीटर पर सेकंड एक सेकंड बताता हूँ आंसर. नहीं 50 आंसर है. 50 देखिए सब लोग इधर देखिए. पहले क्वेश्चन का मतलब समझो. ग्राउंड से एक बॉल को यू स्पीड से थ्रो किया. तो ये क्या होगा? ये ऊपर जाएगा और सर उसी लाइन में वापस नीचे आएगा, है ना? यस. तो आपसे पूछा है कि एट अ हाइट 80 मीटर पर दो बार रहता है, टाइम इंटरवल 6 सेकेंड. तो ये अगर 80 मीटर है तो एक बार जाते वक्त यहां पर होगा और एक बार आते वक्त यहां पर होगा. Yes, sir. जाते वक्त का टाइम T1 है और आते वक्त का टाइम T2 है. तो T2 माइनस T1 इसकी वैल्यू है 6 सेकेंड. ये बात समझ आया इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. और क्या पूछा है? यू पूछा है. Yes. सब लोग यही समझे थे या कुछ और समझे थे? यही समझे थे सर. यही समझे थे. फिर तो आना चाहिए. तो 80 कुछ और इज इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर. सो 80 इज इक्वल टू UT माइनस 5T स्क्वायर ऐसा होगा? यस सर. मतलब 5T स्क्वायर माइनस UT प्लस 80 दिस इज इक्वल टू 0. इसके जो दो रूट होंगे T1 एंड T2 ये यही होगा? यस सर. क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला नाम का चीज पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? कोई बात नहीं सर. सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है, मालूम है? प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, मालूम है ये सब? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर वो मालूम है. तो सम ऑफ रूट मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम है और क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ रूट भी दिया है. तो मुझे यू चाहिए. तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐसा कर लीजिए कि T2 माइनस T1 का स्क्वायर इज T1 प्लस T2 का स्क्वायर माइनस 4T1 T2. ए माइनस बी का स्क्वायर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB. यस सर. यस सर. T2 माइनस T1 6 है तो 6 का स्क्वायर 36. T1 प्लस T2 U बाय 5 है सो U स्क्वायर बाय 25 माइनस 4T1 T2 दैट इज 4 × 16. किसी को कोई डाउट हो तो बताओ. मन में रखोगे तो नहीं आएगा. तो U स्क्वायर 2500 दिख रहा है. तो U स्क्वायर 2500 है, मतलब U की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड. यस सर. यस सर.
जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं कुछ समझ आ रहा है वो पूछिए बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप बैठे रहेंगे उससे कुछ नहीं होगा। कॉपी कर लीजिए। वो कॉपी करने के बाद इस क्वेश्चन को कीजिएगा। बॉडी सर एक और बार प्लीज एक्सप्लेन कर दोगे? सर 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 इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, मैं तो ध्यान ही नहीं देता। हाँ ये लेक्चर में लेट आके डिस्टर्ब वाला तो नहीं हो रहा है। हाँ हाँ देखते हैं वो जो मेंटरशिप वाले में भी बच्चे आते हैं, पूछते कम है ये बात पक्का है, पूछते कम है बट
हेलो हाँ बोल बेटा कुछ बोल रही थी को थर्ड वाला सम एक बार समझा दीजिए ना क्वेश्चन में है कि एक बॉल को ग्राउंड से थ्रो किया तो वो ग्राउंड से ऊपर 80 मीटर के हाइट पर जो पॉइंट है उसको दो बार क्रॉस करता है एक बार जाते वक्त और दूसरी बार आते वक्त इन दोनों के बीच में टाइम गैप है 6 सेकेंड का ऐसा क्वेश्चन में लिखा है टाइम इंटरवल बीइंग 6 सेकेंड तो आपसे इस यू की वैल्यू पूछा है ये है क्वेश्चन यहां तक कोई दिक्कत नो सर तो इसका मतलब है कि 80 मीटर के हाइट पर कब रहेगा तो इस इक्वेशन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s की जगह 80 पुट कर दिया तो ये टाइम में क्वाड्रेटिक बना तो इस क्वाड्रेटिक का जो भी सॉल्यूशन आएगा वही ये दोनों वैल्यू होंगे तो क्वाड्रेटिक का t1 t2 रूट है तो सम ऑफ रूट माइनस b बाई a मालूम है ये बात प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a मालूम है ये बात क्या किसी भी क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a होता है मालूम है हाँ तो 80 बाई 5 16 सम ऑफ रूट माइनस b बाई a दैट इज u बाई 5 और डिफरेंस ऑफ रूट मुझे क्वेश्चन में ऊपर मिला हुआ है 6 सेकेंड तो इन तीनों को मिलकर मुझे यू निकालना है तो मैं यहाँ के बाद दिमाग लगाया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab तो ये टर्म भी मुझे पता है ये टर्म भी पता है और ये टर्म भी पता है तो यू मिल गया और लिख रखा है आपने इसको कॉपी किया है ना हाँ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश कीजिए फोर्थ वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश कीजिए सर 12 मीटर आंसर बता रहे हैं क्या हाँ सर पता नहीं देखता हूँ So 125 something. देखता हूँ बताता हूँ हाँ exactly 125 मीटर आंसर है आंसर इज 125 मीटर जिसको आया है उसका करेक्ट है और किसी को आया आंसर 125 सर मुझे 122.5 आ रहा है देखते हैं आंसर तो 125 दिया है एग्जैक्टली क्या आता है देखते हैं कैलकुलेशन Thank you.
चलो जिससे नहीं हुआ इधर देखिए, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, एच हाइट की, तो यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, yes. तो t इज इक्वल टू जीरो पर ड्रॉप किया और मान लो t टाइम पर पहुंचा, तो बोला है कि लास्ट सेकेंड में 9h/25 डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही बोला है, yes. मतलब t माइनस 1 सेकेंड पर जहां होगा वहां से यहां का डिस्टेंस 9h/25 होगा, हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। तो इसका मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, h माइनस 9h/25, हाँ तो कितना होगा, 16h/25। तो इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस पॉइंट को बी कहते हैं और इस पॉइंट को सी कहते हैं, मान लो। तो देखो ए टू सी के लिए हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यस सर, और ए टू बी में हम लिख सकते हैं कि 16h/25 इज इक्वल टू हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर, यस सर, ये बात समझ आई सबको, यस yes. तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 25/16 इज इक्वल टू t/t-1 का स्क्वायर, यस सर, तो यहां से मुझे मिल गया t/t-1 is 5/4, yes, so 4t is equal to 5t-5, yes sir, तो यहां से t की वैल्यू 5 सेकेंड मिल गए, इस t की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो h मिल जाएगा, yes sir, आ गया 125 मीटर, यस सर, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, सर ये जो आपने 1/2 लिखा ना उसके बाद का सर एक बार समझाना ना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, हाँ सर, 1 में है 16h/25, मैंने 2 डिवाइड, मैंने ऊपर वाला और नीचे को डिवाइड कर दिया, हाँ, ऊपर है h और नीचे है 16h/25, तो डिवाइड करोगे तो 25/16 होगा, हाँ सर, 5.4, इधर हाफ जी कैंसिल होगा, डिवाइड करेंगे तो t^2/t-1 का स्क्वायर होगा, हाँ, तो बस, तो 25 है 5 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, तो t/t-1 5/4 हो गया, हाँ सर, लिख लीजिए,
Done. Sir, 1 second थोड़ा ऊपर करो ना. हाँ कॉपी कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th अटेम्प्ट कीजिए.
बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो? नहीं सर। सर टी इज इक्वल टू रूट एच अपॉन जी ऐसा है? टी टी नहीं पूछा है बेटा, आपसे तो वी पूछा है ना। ये सर मैं टी का पूछ रही थी, टी का वैल्यू निकलाना मेरा इसके लिए। जरूरत कहाँ है निकालने की, है क्या मुझे नहीं पता। फाइनल आंसर निकाल के देखिए। यस सर। सर फाइनल आंसर अंडर रूट जी एच आ रहा है। हाँ सही है, वेरी गुड। यस सर वही आ रहा है, रूट जी एच जिसको आ रहा है सही आ रहा है। देखो इधर, जिसका नहीं हुआ इधर देखिए, कह रहा है कि एक बॉल को ग्राउंड से वी स्पीड से ऊपर थ्रो किया और उसी मोमेंट पर दूसरे बॉल को यहां से ड्रॉप किया, है ना? आई बात समझ में? Yes. हाँ सर। Such that both meets both A and B midway between their initial position. मतलब h by 2 पर मिलता है यहाँ पर। Means ये h by 2 जितनी देर में आया, ये भी उतनी ही देर में h by 2 ऊपर गया। Yes sir. तो yes, यहाँ से हम लिख सकते हैं h by 2 is half g t square. Yes, sir. अच्छा, और इसमें लिख सकते हैं h by 2 is v t minus half g t square. Yes, sir. तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो h इज इक्वल टू वी टी होगा। तो t की वैल्यू हो गई h by v। अब मुझे मुझे क्या चाहिए था, v चाहिए ना, तो t के इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो h by 2 इज हाफ g h by v का स्क्वायर, ऐसा हो गया। yes, sir. ये टू गया, so h is equal to g h square upon v square. v is equal to under root g h, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? yes, sir. कॉपी कर लीजिए। yes, sir.
जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्राई कीजिए। फिफ्थ लिख लिया सबने? यस सर। सिक्स्थ कोशिश कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन किया था ना बेटा। सर यू का आंसर एच और यू दोनों पूछा है, देखिए क्या आता है। U is equals to half G T1 minus T2. Minus तो नहीं, गलत होगा शायद। Sir, velocity of projection is equal to G into T1 plus T2 divided by 2. और H आ रहा है 2 into G into T1 into T2। देखते हैं। ये ऐसे गया और ऐसे जाके वापस आया होगा इसी लाइन पर, तो कोई एक हाइट है H, इस हाइट पर ये दो बार था, एक बार ऊपर जाते वक्त और दूसरी बार नीचे आते वक्त। ऊपर जाते वक्त T1 टाइम पर था, नीचे आते वक्त T2 टाइम पर था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लिख सकते हैं। यस सर। टू एच इज टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। यस। सो जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी प्लस टू एच, दिस इज इक्वल टू जीरो। यस सर। तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वही टी वन टी टू होंगे। तो अभी सीखा yes. था सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए। यस सर। यहां से यू की वैल्यू मिल गई हाफ जी टी वन प्लस टी टू, मिल गई। यस यस सर।
यहीं से प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए है ना, तो यहां से एच की वैल्यू मिल गई हाफ जी टी वन इंटू टी टू, ये दूसरा आंसर। यस सर। कॉपी कर लीजिए सर। सर ये यहाँ साइन चेंज होगी ना, टी वन प्लस टी टू, ये राइट साइड में आएगा तो टी वन माइनस टी टू होगा ना। क्या बोल रही हो सर? यहाँ पे फोर्थ स्टेप टी वन प्लस टी टू जब राइट साइड में आएगा तो साइन चेंज होगा ना। टी और टू मूव किया, टी वन प्लस टी टू नहीं। सर आगे बढ़े। यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन, इसको कोशिश कीजिए। Thank you.
सर 0.9 सेकंड सर क्या आंसर बोला 0.9 सेकंड सर आंसर चेक करता हूँ अभी चेक करता हूँ आंसर वेरी गुड 0.14 सही बोला आंसर इज 0.14 सेकेंड देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट 0.4 मीटर अबव द टॉप ऑफ अ 0.5 मीटर हाई विंडो तो ये मान लो विंडो है ये विंडो है मान लीजिए आपके घर का विंडो की हाइट कितनी दे रखी है 0.5 मीटर तो ये हाइट मेरा है 0.5 मीटर है ना यस सर और इस विंडो से 0.4 मीटर ऊपर मतलब यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया तो ये बॉल नीचे आएगा तो जो आदमी विंडो से देख रहा है उसको जब बॉल यहां पर है इस लाइन पर और जब बॉल यहां पर है इस लाइन पर इतनी देर तक दिखाई देगा है ना तो इन दोनों yes. के बीच का टाइम गैप पूछा है क्लियर यस सर तो टी इज इक्वल टू जीरो पर यहां है अगर टी इज इक्वल टू टी पर यहां है तो टी इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी पर यहां होगा यस सर तो सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन इस पॉइंट को ए कहते हैं इस पॉइंट को बी कहते हैं और इस पॉइंट को सी कहते हैं तो पहले मैं A टू B के लिए अगर लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा 0.4 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर यस सर फिर इसी तरह A टू C के लिए लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा 0.9 इज इक्वल टू हाफ जी टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर यस सर है ना जी का वैल्यू 9.8 लेना है और मुझे क्या चाहिए डेल्टा टी चाहिए तो दो ही अननोन है टी और डेल्टा टी और दो इक्वेशन है मिल जाना चाहिए कैसे मिलेगा तो इक्वेशन टू में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.9 माइनस 0.4 0.5 Yes. इधर हो गया हाफ जी इधर हो जाएगा मेरा टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर यस सर तो ये हो गया हाफ जी को 9.8 लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस
डेल्टा टी और ए प्लस बी करेंगे तो 2t प्लस डेल्टा टी। लेकिन नहीं बेटा, इससे भी क्या है ना, रुक जाओ, इससे मतलब सॉल्व नहीं हुआ, देखो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कम से कम, मतलब मुझे डेल्टा टी चाहिए तो टी हटाना है। अब जैसे हटा लो, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, डिवाइड कर देते हैं। चलिए तो 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर हो गया 9/4 हो गया, यस सर। और इधर हो गया टी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी का होल स्क्वायर, यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया टी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इज 9/4 स्क्वायर रूट, है ना, 3/2 ना, 3/2/4 का रूट, हाँ सॉरी, तो 3/2 सर। तो यहीं से दिख रहा है, मैं तो यहीं से दिख रहा है, टी टू है और डेल्टा टी वन है, 2+1 3 दिख रहा है, यस सर। तो 1 सेकेंड है आंसर, बट आंसर तो कुछ और है, आंसर तो 0.14 सेकेंड है ना, वो 0.9 था ना, तो हाँ, तो ये 0.4 था, तो डिवाइड करेंगे तो 9/4 हो गया, तो 3/2 हो गया। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं सॉल्व करते, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है, गलती नहीं। तो ये हो गया 2t प्लस 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू 3t, यस सर। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू 2 डेल्टा टी हो गया, है ना, यस सर। डेल्टा टी चाहिए तो टी का ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डेल्टा टी मिल गया, तो ये हो गया 0.4 इज इक्वल टू हाफ जी, मतलब 9.8 और टी स्क्वायर, तो टी 2 डेल्टा टी है, तो ये हो जाएगा ना 4 × Δt का स्क्वायर, यस सर। बस अब जो मिल गया वही आंसर है आपका। तो एक चीज देखो, मेरे हिसाब से पूछोगे तो 0.4 इधर, ये 4 इधर, ये डेसिमल इधर चला गया, ये 49 बच गया, तो टी स्क्वायर मेरा हो गया 1/49, तो टी हो गया 1/7 सेकेंड, ठीक है। हाँ सर, समझा सर, कॉपी कर लीजिए इसको। Thank you.
हो गया? यस यस सर। यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। अच्छा क्वेश्चन कीजिए। अभी जो दे रहा हूँ ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, मोशन अंडर ग्रेविटी मेरी तरफ से खत्म। इसके दो असाइनमेंट एक साथ दे दूंगा, अगली क्लास में डिस्कस करें। इसको कोशिश कीजिए। ये समझ में आता है कि बलून से जब फूड पैकेट को ड्रॉप करेंगे तो उस फूड पैक पॉकेट पैकेट की वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी बलून की है, ये बात समझते हो कि नहीं? यस सर। बलून से अगर फूड पैकेट को ड्रॉप करेंगे तो फूड पैकेट की वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी बलून की है। Yes, sir. है ना? तो कह रहा है कि बलून जब ग्राउंड से कुछ हाइट बोला है, कितना? 39.2 मीटर। तो जब 39.2 मीटर हाइट पर है उस समय एक फूड पैकेट उसमें से गिरा, यही कहानी है? Yes, sir. ये बलून जिस स्पीड से जा रहा था इधर, ये फूड पैकेट उसी स्पीड से जाएगा, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा 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 और ऐसे गिरेगा। तो ये केस वन की कहानी हो गई। यस सर। यस सर। तो इस केस वन में यू की वैल्यू क्या हो गई? +9.8 मीटर पर सेकेंड। ए की वैल्यू क्या हो गई? -g -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? -h -39.2 मीटर। यस सर। तो आपसे टाइम पूछा है,
तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में वैल्यूज पुट कर दीजिए, टाइम मिल जाएगा। सो माइनस 39.2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा होगा? यस सर। तो ये हो गया माइनस 39.2 इज इक्वल टू 9.8 माइनस 4.9 स्क्वायर। 4.9 से डिवाइड कर देंगे। यस सर। कितना होगा ये? बोलो। 4.6 कितना? 0.8 जीरो पॉइंट जो मन में आता है सर, 8 0.8 हाँ 8 तो माइनस 8 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, ऐसा होगा? यस सर। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज 0। यस सर। तो ये फैक्टराइज होगा सर? यस सर। कैसे? 4t square माइनस 4t प्लस 2d ऐसा होगा? यस सर। तो यहाँ से t का पॉजिटिव वैल्यू क्या मिला? 4 सेकेंड। यस सर। यही हमारा आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, जिसका हो जाए जाते जाइए। हाँ, जिसका हो गया वो जा सकते हैं। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। हो गया सबका? बंद कर दूं? कुछ लोग जो बचे हैं सोए होंगे।
क्या ओम सिंधे क्या लिखा, वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये क्या बेटा? अच्छा वेलोसिटी भी पूछा है ना, ओके ओके, हाँ लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, जो भी आएगा आएगा। हाँ 29.4 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी का आंसर।